नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी कुछ बातें और भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने जो भगवान श्री कृष्ण से सीखा वो ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है लाइफ में आती जाती रहती है, हमें हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ छूट गया, उनका बचपन में ही माँ बाप छूट गए, देवकी और वसुदेव छूट गए, उनका गोकुल छूट गया, नंद बाबा यशोदा छूट गए, उनकी प्रेमिका छूट गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे। यहाँ तक कि द्वारिका भी छूट गई, वो भी समुद्र में डूब गई, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण पे बहुत तरह के आरोप भी लगे, कई लोग उनको ईश्वर मानने से नकारते रहे कि अरे भगवान श्री कृष्ण अगर ईश्वर है तो वो मरे कैसे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भागवत पढ़िए, भागवत में लिखा नहीं गया है ऐसा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण को किसी ने तीर मारा और मर गए। नहीं, अगर आपको भी कोई तीर मार देगा पैर में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, दवाई करोगे, मलहम पट्टी करोगे, डेटॉल लगाओगे, ठीक हो जाओगे। तो परमपिता परमात्मा मर कैसे सकते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा और वो मर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हम लोगों को यहाँ तक कि तीर लगेगा तो हम नहीं मर सकते, तो वो कैसे मर सकते हैं ये सोचो। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा और वो मर गए। ये कुछ ऐसे दुष्ट प्राणी हैं जो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसे दुष्ट लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भगवान प्रकट हुए थे और वो अदृश्य हो गए थे, उन्हें कोई तीर नहीं लगा है। आप भगवतम अच्छे से पढ़ लो, भगवत जा कर के भगवान उसने तीर चलाया लेकिन भगवान को लगी नहीं, भगवान अदृश्य हो गए। और इतना ही नहीं, भगवान उस जिसने तीर चलाया था उस जरा को भी सीधे वैकुंठ लोक जीते जी भेज दिया। तो परमपिता परमात्मा मर कैसे सकते हैं, पैदा कैसे हो सकते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ दुष्ट प्राणी इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसा नहीं हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात बहुत सारी है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँ ना उन पे तो वीडियो ख़त्म ही ना हो, क्योंकि भगवत गीता जैसी जो किताब है वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से। इसलिए बता रहा हूँ भाई कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ना कभी प्रकट होते हैं ना कभी मरते हैं, वो एक परमात्मा है। ओके, अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण से। जो पहली चीज़ मैंने जो सीखी है, हर समय परिस्थिति में आपको धैर्य रखना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जैसे भगवान श्री राम आपको मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मर्यादा में रहते कैसे हैं ये सिखाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण आपको ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, मर्यादा में रहते कैसे हैं वो सिखाते हैं भगवान श्री राम, और मर्यादा में रखते कैसे हैं वो सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि देखो मर्यादा में रखते कैसे हैं, चाहे शिशुपाल हो उसने 100 गालियाँ दी तो भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि देखो कि 99 गलती मैं तुम्हारी माफ़ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करूँगा, 100 गलती के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा मर्यादा क्या होती है। उसी तरीके से उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, उसमें ये दिखाता है कि किस तरीके से औरतों की वो सुरक्षा कर रहे हैं, तो किस तरीके से मर्यादा में रखते कैसे हैं वो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। जैसे कि हमारे लाइफ में भी देखिए, अगर कोई आपको बार 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 क्रिटिसाइज कर रहा है तो एक बार आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी कटे जाते हैं, जो टेढ़े होते हैं वो नहीं कटते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपको टेढ़ा रहना भी सिखाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से रहना सिखाते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति भी जानते हैं कि किसके साथ किस तरह से छल करके मारा जाएगा। जैसे कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने छल के साथ मारा, मरवाया अर्जुन से, तो छल करना भी यहाँ पे सिखाते हैं। जो छल करता है उसके साथ भी हमें छल ही करना चाहिए, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। और धर्म का पालन करने के लिए अगर छल भी करना पड़े तो वो भी उन्होंने करा। तो ये सारी चीज़ें हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। और अपनी सफलता के लिए, जो उनकी सफलता है उसके लिए अगर आपको सब कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपके
जहाँ रहते हो वो लोग हो, फैमिली हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, अपनी प्रेमिका राधा को छोड़ा, ये गोपियों को छोड़ा, ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो सके। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण से ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि सफलता के लिए अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़े, बीवी छोड़ना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, तो छोड़ दो। तो ये चीज़ मैंने सीखा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण से आप सीख सकते हो। भगवान क्या कहते हैं, पूरी गीता पढ़ी है आप, तो आपके अंदर में जितनी है ना सेंसेस जो इधर उधर भागती है, सब एक जगह हो जाएगी अगर आप गीता पढ़ोगे तो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती ऊंच नीच नहीं होता है, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता, दोस्ती दोस्ती होती है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी प्रसिद्ध है। सच्ची दोस्ती यही है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कि देखो ना ऊंच ना नीच ना जाति। ये भी सिखाते भगवान की दोस्त दोस्त होता है, वक्त बुरे वक्त में जो साथ दे वही अच्छा दोस्त होता है, सुदामा को बुरे वक्त में साथ देते हैं। ये भी आप सीख सकते हैं, दोस्ती सीख सकते हैं उनसे, उन्होंने गुरु के लिए क्या फर्ज निभाया, गुरु के बेटे को यमलोक से लाया। ये भी आप सीख सकते हैं कि गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये चीज़ आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। श्री कृष्ण के ज़िंदगी से आप इतना कुछ सीख सकते हैं कि पूरे दुनिया में कहा ना, कंप्लीट मैन अगर कोई पूरी दुनिया में है ना, तो श्री कृष्ण है। जिसने बचपन जिया तो लोग ने कान्हा कहा, जिसने जवानी जिया तो गली में हर एक लड़के को कन्हैया बनता फिरता है, प्रेम किया, और जिन्होंने ज्ञान दिया तो गीता जैसा ज्ञान दिया, और जिन्होंने 5 पांडवों को इतने सत्य के साथ राज्य दिला दिया। तो ये चीज आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो श्री कृष्ण आत्मा है हम सबकी। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तो जय श्री कृष्ण लिखें। और सबसे यही कहूँगा यार कि जिसके भी लाइफ में बुरी आदतें हैं, ये कुछ भी प्रॉब्लम है, तो भगवत गीता पढ़ो, और दूसरी चीज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चीजें आप पढ़ो। और श्री कृष्ण की जो इतनी सारी रानियां थी जो ये बकवास करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि इसकी कहानी भी जा करके पढ़ो। नरकासुर नाम का एक राक्षस ने इतनी सारी लड़कियों को किडनैप कर रखा था, उसको श्री कृष्ण ने छुड़वाया, और वो फिर सोचे कि हम बाहर ना उनके माँ बाप अपनाते ना कोई और अपनाता, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको पत्नी रूप में अपनाया है। और बहुत सारी जो भी आरोप लगाते हैं श्री कृष्ण पे, सबका खंडन मैं करूँगा ऐसे ही वीडियो बना करके, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, जिसको शाही ईदगाह जो है वो कब्जे में लेकर के रखा है। तो रामलला तो आ गए, अभी कृष्ण लला भी आएंगे, भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा आएंगे। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की शान श्री कृष्ण है। अब जब ध्यान लगाते हो तो मन पूरा अंधेरा है, काला रंग दिखाई देता है जब भी आप आंख बंद करोगे, तो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का